हाय सर। मैं कब से सोच रहा था तुमसे बात करने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। विराट ने जो हरकत की है इसलिए। इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है, और जो कुछ भी किस्मत में लिखा है वो तो होके ही रहता है। सही, तुम्हें मैंने अपनी बेटी की तरह माना है। अगर मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो मैं इतनी शांति से नहीं बैठता। सर, कुछ रिश्ते टूटने के लिए ही जुड़ते हैं, और उनके टूटने पर ना बुरा नहीं मानना चाहिए। और ऐसा तो नहीं है कि एक औरत की जिंदगी एक मर्द के इर्द गिर्द ही घूमती है। रिश्ता टूट जाने से मेरी जिंदगी तो खत्म नहीं हो गई है ना, और मैं कोई पहली लड़की नहीं हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ है। तुम विराट के लिए कोई फेवर मांगने तो नहीं आई? नहीं नहीं सर, मैं उनके लिए कोई फेवर मांगने नहीं आई हूँ। मैं तो वो अखबार में खबर पढ़ी, वो पढ़ के आई हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि विराट सर इतनी इम्पोर्टेंट बात अपने सीनियर्स को कैसे नहीं बताई। गैर जिम्मेदारी की भी कोई हद होती है। कैसी बात? यही कि विराट सर और मैं तो बहुत पहले अलग हो गए थे। हाँ, उन्होंने किसी और औरत के साथ रिश्ता जोड़ा, लेकिन मुझसे अलग होने के बाद जोड़ा, तो ये तो गैर कानूनी नहीं है ना, जैसे अखबारों में छपा है। मैं ये बात नहीं मानता। लेकिन अभी जो मैं आपको सबूत दिखाऊंगी ना, उससे उससे आप सब समझ जाएंगे और आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। व्हाट? डिवोर्स सर्टिफिकेट? जी, पता नहीं विराट सर ने आपको क्यों नहीं बताया, लेकिन देखिए आप उस पर डेट भी देख सकते हैं। इस डेट के हिसाब से तो तुम दोनों का डिवोर्स हुए 1 साल से ज्यादा हो गया। यस सर। तो फिर तुम विराट के घर में कैसे रह रही थी? घर वालों की वजह से सर। घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं कहीं जाऊं घर छोड़कर। और सर, शायद आपको पता नहीं है कि विराट सर और मेरी शादी एक डील है, मतलब डील थी। जाने से पहले आबा मेरी जिम्मेदारी विराट सर को दे गए थे, और गांव वालों ने उनसे कहा था कि अगर वो मुझे वहां से अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं तो उन्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। वो बेचारे तो वहां पोस्टिंग के लिए आए थे, लेकिन आबा से किया वादा निभाने के लिए उन्हें मुझसे शादी करनी पड़ी। और विराट सर ने मुझसे कहा था कि जैसे मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी हम ये रिश्ता तोड़ देंगे। हम दोनों को ही पता था सर कि ये रिश्ता टूटने ही वाला है। मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं हूँ। मैंने खुद देखा है तुम्हें विराट के लिए परेशान होते हुए, और विराट को हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए तड़पते हुए, पब्लिक से लड़ते हुए। सर, दो लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं। हम अच्छे दोस्त हैं, इसलिए एक दूसरे की परवाह करते हैं। उसके अलावा हमारे बीच और कुछ नहीं था। तो विराट ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? उनके पास शायद ये डॉक्यूमेंट नहीं था, इसलिए वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में सबमिट नहीं कर पाए। तुम सच बोल रही हो या विराट को बचाने के लिए सब कुछ कर रही है? मैं सच कह रही हूँ सर। तो तुम्हारा मतलब तुम ये कहने आई हो विराट ने उस औरत के साथ रिश्ता तुमसे ऑफिशियली डिवोर्स लेने के बाद बनाया? हाँ सर, मैं यही बताने आई हूँ। मैंने जब भी तुम्हें देखा है हमेशा सही का साथ देते देखा है। मुझे हमेशा लगता था जहाँ सही है वही साइड सही है, लेकिन आज तो मुझे सही नहीं लग रही। पता नहीं तुम मुझसे झूठ बोल रही है, खुद से झूठ बोल रही है। चलो एक मिनट के लिए तुम्हारी ये बात मैं मान लूँ। मुझे ये समझ नहीं आता कि विराट ने ये बात अपनी सफाई के लिए खुद क्यों नहीं कही। वो तो मैं नहीं जानती सर, लेकिन सर मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ ना वो एकदम सच है। इसलिए आपने विराट सर पर जो भी इल्जाम लगाए हैं, जो भी चार्जेस लगाए हैं वो हटा दीजिए, और उनका सस्पेंशन भी कैंसिल कर दीजिए। तुम आजकल रह कहाँ रही हो? मैं हॉस्टल में रह रही हूँ सर। और सर, मैंने ना विराट सर को भी समझा दिया है कि वो जल्दी श्रुति से शादी कर ले, और अब तो उन दोनों का एक बच्चा भी है। तो ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही।
मैंने खुद विराट की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, फिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है? क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? विराट सर के बारे में सोच रही थी सर, ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से वो अपने परिवार से दूर हो गए। उनका परिवार ये बात मानने को ही नहीं तैयार कि हमारी शादी एक डील थी, और वो सब मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरी जगह किसी और को उनकी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एनीवे, विराट और उस औरत का रिश्ता कब से है? शादी से पहले से। सही, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। लेकिन तुम्हारी आंखों और चेहरे से तो नहीं लग रहा। मैं चलती हूँ सर। एक मिनट। सही हो सकता है आज तुम झूठ बोलकर विराट को बचाने में कामयाब हो गई हो, लेकिन आज भी मुझे तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बातों में अभी भी विराट के लिए प्यार देखा है। मैं ऑफिशियली तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं दिल से जानता हूं कि तुम दोनों के बीच कुछ है, कुछ खास है जो मैं बुला नहीं पाता हूं। जानती हो बेटा, मेरे इस रैंक की वजह से लोग सीधे मुझसे बात करने में कतराते हैं, लेकिन जब तुम पहली बार आई थी बिल्कुल नहीं डरी थी, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी, ठीक जैसे मेरी बेटी करती है। लेकिन आज पहली बार तुम मुझसे आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर रही। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आज सही सही नहीं है। सर मुझे ना कुछ जरूरी काम है तो मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, जब भी कोई काम हो सीधा मेरे पास आ जाना। आई नो सर, आप उन चंद लोगों में से हैं जिन्हें मेरी फिक्र है, जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। थैंक यू सर। तुम ठीक तो? तुम्हें तो तेज बुखार है। देखो मैं तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ देता हूँ। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, और मैंने कैब बुक करी हुई है। श्योर? जी। तुम बहुत बहादुर लड़की हो सही, हमेशा खुश रहना। सब कुछ तो न्यूज़पेपर में छप गया था, ऐसा तो क्या रह गया कि तुम्हें खुद डीआईजी सर के पास आना पड़ा? मुझे डीआईजी सर को मिलके कुछ बताना था पर्सनली। मतलब कैसे मैंने तुम्हारे साथ गलत किया? हाँ गलत तो किया। मैंने डीआईजी सर से क्या बात की है वो पूछने का आपको कोई हक नहीं है। पूछ भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम यहाँ क्या करने आई हो। तुम यहाँ गवाही देने आई होगी, ये कहने आई होगी कि जो न्यूज़पेपर में लिखा है वो सच है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, धोखा दिया है तुम्हें, और मुझे मेरी नौकरी से निकाल देना चाहिए। वाह, एकदम करेक्ट गेस किया आपने। कहीं आप छुप कर हमारी बात तो नहीं सुन रहे थे? ये बहुत गलत हरकत है विराट सर। ओ सॉरी, गलत हरकतों की तो आदत पड़ चुकी है ना आपको। कितना जहर भरा है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं सब। कौन कह रहा है आपको बर्दाश्त करने के लिए? आपकी नई जिंदगी है ना, उस पर ध्यान दीजिए। बाय द वे, कैसी है आपकी बीवी और बच्चा? बाय द वे, श्रुति और साहस ठीक है? मुझे तो नहीं लगता श्रुति ठीक हुई है। आई एम श्योर वो ठीक हो गई होती तो आपका ख्याल रखती। आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ लग रहा है। मेरा ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उसका और साहस का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। ओ हाँ, भूल गई थी मैं, आप दुनिया के सबसे शरीफ, ईमानदार और जिम्मेदार इंसान है ना। बहुत कुछ है ना तुम्हारे पास मुझे बोलने के लिए, सुनाने के लिए। तुम्हारी नजरों में मैं बहुत गलत हूं, कोई बात नहीं, जिस दिन तुम्हें सच का पता चलेगा तुम खुद समझ जाओगी कि विराट चव्हाण ने कुछ गलत नहीं किया, तो तुम्हारे साथ ना परिवार के साथ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी उस दिन का।
अभी मैं चलती हूँ, क्योंकि मैंने सीख लिया है इंसान को समय से चले जाना चाहिए, वरना हालात खराब हो जाते, बद से बदतर हो जाते। शो, तुम्हें जाना है ना, जाओ। वैसे भी तुम अपनी मर्जी से ही गई थी। आपको लगता है आपको मुझे रोकने का हक भी था? मुझे क्या लगता है क्या नहीं लगता है उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तुमने ना तो मेरी बात सुनी ना ही फैसला लेने से पहले मेरे बारे में सोचा। तो मैं क्या सोचता हूँ उससे तुम्हें क्या ही मतलब है? क्या बात है, जिस रिश्ते को आप छोड़ सकते हैं मुझे इस रिश्ते को तोड़ने का भी हक नहीं है। खैर, ये बात जाने देते, आप उन पर ध्यान दीजिए जो अब आपकी जिंदगी में, और ये लीजिए। डिवोर्स सर्टिफिकेट, क्या पता आपको कब इसकी जरूरत पड़ जाए। ये डॉक्यूमेंट एक लौता ऐसा कागज है जो आपको इन सब मुसीबतों से बचाएगा। जय हिंद सर। जय हिंद। तुम्हें अपनी सफाई पेश करने के लिए 72 घंटे दिए गए थे, क्या तुम प्रूफ के साथ तैयार हो? सर, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। इसका मतलब तुम अपने ऊपर लगे सारे इल्जाम एक्सेप्ट करते हो? सर, मैंने पहले भी उनसे इनकार नहीं किया था। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है सर, साथ में लाया हूँ। बाकी आप और डिपार्टमेंट जो सजा देना चाहे उसके लिए तैयार हूँ मैं। सही से मिले? अभी अभी बाहर गई है? जी सर, और मैं अच्छे से जानता हूँ उसने मेरे बारे में आपसे क्या कहा होगा। ऐसा ही कुछ कहा होगा जिससे मैं आपकी नज़रों में और भी गिर गया हूँगा। और सच कहूँ सर, इस बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर मैं तुम्हारा सीनियर नहीं होता तो तुम्हें एहसास दिलवाता कि तुम अपनी वाइफ के साथ कितना गलत कर रहे हो। तुम ऐसा कब से हो गया विराट? ये देखा सर्टिफिकेट? जी सर, इसके बारे में जानता हूं मैं। सही ने शायद डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के लिए आपको दिया होगा, मुझे भी एक कॉपी दी है सर। तुमने डिवोर्स सर्टिफिकेट तो देख लिया, लेकिन इस पर लिखी डेट देखी? ये सबूत है कि जब तुम और श्रुति रिश्ता बना रहे थे उस वक्त तुम्हारे और सही के बीच में कोई लीगल रिलेशन नहीं था। इसका मतलब कानून की नजर में तुम्हारा वो रिश्ता बनाना गलत नहीं है। ये तुम्हारी फेवर में है और तुम्हारी वाइफ, सॉरी, एक्स वाइफ देकर गई है तुम्हारी नौकरी बचाने के लिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।